press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड करता है मेरे को, हमेशा से मेरे को पसंद है, जैसे मैंने हाले दिल जब बनाया था, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एंड सिंगिंग तो उससे पहले मैंने की थी 30 मार्का मूवी में. और बट जब हाले दिल मेरा कॉम्पोजिशन आया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर, तो फिर मैं टाइप्ड नहीं हुआ कि मेरे को हाले दिल ही जैसे गाने बनाने. तो मैंने बहुत सारी वैरायटी के ऑफ सॉन्ग्स बनाए, जैसे मैंने हेट स्टोरी की थी वो फुल मूवी की थी, तो सुपर नानी मैंने की थी फुल मूवी. सो कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने एज अ सोलो कंपोजर किए. और वर्सेटैलिटी होना एक कंपोजर के अंदर बहुत बड़ी बात होती है. इस प्रोजेक्ट में भी वही चीज़ थी, जब हमने स्क्रिप्ट इसकी सुनी तो इसकी स्क्रिप्ट ऐसी थी कि इसके सारे गाने बहुत ही सिचुएशनल बेस्ड थे. रोमांटिक ट्रैक भी था, एक शादी का गाना था जहाँ पे टीजिंग होती है, औरतें मर्दों को टीज करती हैं, वो फोक सॉन्ग था. देन फिर एक आइटम नंबर है जहाँ पे अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड आती हैं, उसके लाइंस हैं, नई वाली जब धोखा देके जाएगी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आएगी. सो फिर एक एक गाना था मूवी का जो तीनों एक्टर्स, प्रियांक जो पद्मिनी कोल्हापुरी जी के बेटे हैं, रीवा किशन जो रवि जी की बेटी हैं, रवि किशन जी की, और अक्षय खन्ना जी, तो ये तीनों आते हैं वहाँ पे. एक सिचुएशनल बेस्ड सॉन्ग है जहाँ उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है अक्षय खन्ना जी का. तो सारे गाने बहुत ही डिफ़िकल्ट थे बनाने और बहुत ही अलग तरह के गाने थे. सो इंस्पायर यही किया कि मेरे को बस वर्सेटाइल काम करना है, सब अच्छा काम करना है. नितिन मनमोहन जी जो बहुत ही लेजेंडरी प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी. और समीर जी ने इतने खूबसूरत से गाने लिखे हैं, सारे गाने उन्होंने लिखे हैं. तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है, अब देखने को मिलता है कि पूरी फिल्म एक कंपोज़र कर रहा है, एक लिरिसिस्ट लिख रहा है. सो मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ मैं कर पाया हूँ. ओके सर, ये मूवी में दोनों जो कलर जो ली है वो एक न्यू डेब्यू कर रहे हैं मूवी के अंदर. जी, आपने जब भी देखा है जब मूवी जो डेब्यू जो डेब्यूटेंट स्टार आते हैं, जी, तो जो राइटर्स और जो सिंगर्स थे, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है. करेक्ट, करेक्ट. इसके ऊपर ये सॉन्ग फिल्माया जाएगा. करेक्ट, करेक्ट. आपके ऊपर कितना प्रेशर था? प्रेशर तो बहुत था, क्योंकि मैंने ऐसे एक्टर्स पे भी बहुत सारे गाने दिए हैं, जैसे इमरान हाशमी से लेके रेखा जी से लेके बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स पे भी मेरे गाने आए हैं. बट ये भी एक अपने आप में चैलेंज होता है जब नए लोग डेब्यू कर रहे होते हैं. इस फिल्म में चार लोग डेब्यू कर रहे हैं. करण सर जो इसके डायरेक्टर हैं फिल्म के, प्राची मनमोहन नितिन जी की डॉटर एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू कर रही हैं, एंड प्रियांक रीवा एज एन एक्टर डेब्यू कर रहे हैं. सो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि म्यूज़िकली मूवी को बहुत सपोर्ट मिलना ज़रूरी होता है. सो जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको सारे गानों से आप ज़्यादा रिलेट हो पाएंगे, क्योंकि वो गाने बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मूवी में. और हर जगह गानों को बहुत अच्छा सा यूज़ किया गया, इवन बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है. फिल्म बनी बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है. सो चैलेंज तो होता है, बट ये हमने बहुत मज़े से इस फिल्म पर काम किया है. करीब पाँच छः महीने हमको उसका म्यूज़िक करने में लगा, और बहुत ही इत्मीनान से हमने म्यूजिक बनाया है, फिल्म बनाई है, सब लोग ने बहुत अच्छे से दिल से काम किया इस फिल्म में. ओके, ये फिल्म में जैसे कि आपने कहा कि बहुत दिल से काम किया, इसके अलावा जो बज में है वो है कि आपने बप्पी लहरी और उषा अत्तपा को लाया साथ में 37 इयर्स बाद. जी, जी, तो कैसे आपके टॉक माइंड में आया कि हमें लाना चाहिए? ये तो मैं जब लखनऊ में था तो मैं बहुत बड़ा फैन था बप्पी दा और उषा अत्तप जी का, बहुत ही पसंद करता था उनका म्यूजिक और सिंगिंग. सो जब ये गाना हमने कंपोज किया, सबसे लास्ट में हमने ये गाना बनाया था टाइटल सॉन्ग, और बप्पीदा जब ये गाना हमने कंपोज किया तो हुआ किसको गवाएंगे, तो सबसे पहले एक दिमाग में नाम आता है जब एक ट्यून बनती है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर के दिमाग में एक नाम होता है. सो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आया बप्पी लहरी और दूसरा नाम आया उषा अत्तप जी, कि इन दोनों को लेके आते हैं. इतने साल पहले इनके गाने आए थे और सब लोग इतना पसंद करते थे उनके गाने. फिर हमने बप्पीदा को अप्रोच किया, बप्पीदा के स्टूडियो गए, उनको गाना इतना प्यारा लगा, उन्होंने मतलब अपनी स्टाइल में बहुत तारीफ़ करी गाने की. एंड देन मैंने उनको बताया कि उषा अत्तप जी भी गाने गाएंगी. सो वो बहुत ही मतलब चार्जअप हो गए और उन्होंने तुरंत उषा जी को वहीं से कॉल किया. उन्होंने कहा उषा अब हम लोग साथ में गाना गाने वाले हैं, और वहीं पर फ़ोन से स्किल डिसाइड हुई. एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री, बिकॉज ये मतलब मेरे करियर में मैं बोलूँगा बहुत मेमोरेबल मोमेंट है इन दोनों को गवाना. सो बहुत ही दिल के करीब है कि
इन दोनों वेटरन सिंगर्स को मैंने एक साथ लेके आया हूँ। एज अ सिंगर मैं यही बोलता हूँ कि मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्लासिक सॉन्ग्स आ भी रहे हैं, क्लासिक सॉन्ग्स नहीं भी आ रहे हैं, ज़्यादा रीमेक आ रहे हैं, ज़्यादा रिमिक्सेज आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी अच्छे गानों की कमी बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए पुराने गाने रिमिक्स किए जा रहे हैं। सो मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ, मेरे को लगता है अच्छा म्यूज़िक आना चाहिए। जैसे ऐ दिल है मुश्किल का बहुत अच्छा म्यूज़िक था, सारे नए गाने थे, सबने पसंद किए। सो नए गाने होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे गानों में खासकर जब मैं रोमांटिक बनाता हूँ तो फिर मैं रोमांस को सोच के बनाता हूँ। जब मैं सिचुएशनल सॉन्ग्स बनाता हूँ, इवन जब मैंने सुपर नानी करी थी इंदू जी की मूवी, उसमें जब मैं गया था तो मेरे को उन्होंने ब्रीफ दिया था, बेटा एक गाना रेखा जी का भजन है, एक जन्माष्टमी का गाना है, एक टाइटल सॉन्ग है नानी माँ। सो एकदम सिचुएशनल बेस्ड गाने थे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ग्रूम करती हैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, एज अ सिंगर, आप एज अ म्यूजिशियन बहुत ग्रूम होते हो। और मेरे को वो प्रोजेक्ट करने में भी बहुत मज़ा आया, मेरे को लगा यार रेखा जी पे मेरा एक भजन आना चाहिए। मैंने बीवी हो तो ऐसे में देखा था रेखा जी को, और सांचा तेरा नाम उनका भजन था, तो एक गाना तो रेखा जी का होना चाहिए मेरे ऊपर। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब मैं वर्सेटैलिटी पे बहुत बिलीव करता हूँ। आप मेरी सिंगिंग में भी देखेंगे तो आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने हाले दिल गाया तो वो रोमांस जोन में ही मैं चल रहा हूँ। एक टाइप बना लिया अपने आप को कि ये रोमांटिक गाने ही गाता है। इस फिल्म में मैंने दो गाने में रैप भी किया है, तीन गाने मैंने गाए हैं इस फिल्म में। सो मतलब बहुत वैरायटी रखना मेरे को पसंद है अपने करियर में।